मैं नहीं दिखाऊंगा भाई। तो भाई हमें सोचना है कि भाई हम क्या गिफ्ट दें। ये देखो भाई फिर से सिलेक्शन चल रहा है। तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं है। मैंने स्नैप पे भी लगाया था और इंस्टा पे भी लगाया था। तो भाई मेन मुद्दा पता है क्या है? देखो मेन मुद्दा ये है कि एमा का बर्थडे है 20 तारीख को और आज है 18। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से बीमार हूँ। पिछली बार इतना मस्त सेलिब्रेशन किया था कि इस बार समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। मेरे कमर में दर्द, पूरी बदन में दर्द, पूरा ये हिस्सा ऐसे, अरे भाई मतलब जीने लायक नहीं बचा ऐसा लग रहा है। अभी मैं स्टीम भी ले रहा था इसमें छोटे से में। तो मेन चीज़ ये है कि क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि भाई जुकाम वुकाम में और उन सब में ना दिमाग सही से काम नहीं करता। तो अभी मैंने अभय को बुलाया, उसके साथ कुछ प्लान करेंगे कैसे एमा का बर्थडे बहुत ज़्यादा वाव बना सकते हैं। और इसीलिए मैंने एमटी की मोटिफिकेशन भी नहीं कराई क्योंकि भाई वो कराता ना तो सारे पैसे वहाँ निपट जाते, फिर अपने जेब में कुछ भी नहीं बचता। एमा तो यही कहती है कि मेरे को बर्थडे नहीं मनाना, पर भाई उसकी कहाँ सुन रहे हैं हम, अपने दिल की सुनेंगे। बर्थडे मस्त बनाएंगे, बस अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अभी अभय आ रहा है, प्लान बनाते हैं। तो गाइस अभय आ चुका है जो सर्च मार रहा है। तूने क्या सर्च मारा है? ओके नाइस सरप्राइज माय गर्लफ्रेंड ऑन हर बर्थडे। भाई साहब इतने सारे प्लान सोच लिए लेकिन एंड मोमेंट पे वही आ रहा है कि करे क्या। भाई इस बंदे ने एक प्लान बताया था, बताइए एक बार। अरे मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि हम पहले ना उसको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, उसे रात के टाइम भी उसके पास नहीं जाएंगे, अगले दिन भी उसके पास नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा इससे उसे, मतलब मैं उसे गिफ्ट देने जाऊंगा झूठ झूठ, वो तुझसे ना मिल नहीं पाएगी अगले दिन, और एंड में मैं उसे लेकर जाऊंगा तेरी वाली जगह पे जहाँ तूने ना सब कुछ प्लान करके रखा हो, बढ़िया पार्टी। अब दिक्कत यही है कि पिछली बार हमने फार्म हाउस पे करा था तो भाई वो बहुत सीन हो गया था। और मेन चीज क्या है कि भाई मेरी हालत बहुत खराब हो रखी है, जो मैं अकेले भाग दौड़ नहीं कर सकता। ये भी कट नहीं करूंगा मैं, झेल सकता है इतना तो झेल ही सकता है, इतना तो मैं झेल लूंगा, लेकिन उसके दोस्तों को कैसे बुलाएगा। तो उसका बॉयफ्रेंड हो गया और कौन बचा, शर्मिला का बॉयफ्रेंड हो गया। अच्छा तू अपनी बात कर रहा है, समझ गया तू। ये लोग बोर हो रहे होंगे जो देख रहे हैं, कह रहे क्या प्लान बना रहे हैं। देखो ये वाला ब्लॉग तो भाई उस टाइम पे डलेगा जिस दिन उसका बर्थडे होगा, उस दिन मॉर्निंग में ये ब्लॉग डलेगा, ठीक है। तो 2 दिन पहले से हम बता रहे हैं कि अगर उस दिन सुबह सुबह भी कुछ कमेंट पे कह दिया तो भी हम डाल सकते हैं। तो कमेंट में बता देना क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि मिस्ट्री गिफ्ट मंगाएंगे बहुत सारा, तब अनबॉक्सिंग करेंगे, बट इसमें आने में ही कम से कम भाई कितने दिन लग जाएंगे, 20 से 25 दिन। ओए मतलब मेरे बर्थडे पे खुल जाएगा। अब कम से कम भाई 7-8 दिन लग जाएंगे, इतना तो टाइम है नहीं। अबे क्यों ना हम खुद ही अपने मिस्ट्री गिफ्ट बना ले। प्लान तो तेरा भी अच्छा है, हम एक काम करते हैं बाहर से खरीद लेते हैं। क्या गिफ्ट? हाँ देख रहे हो गाइस हमें मिस्ट्री बॉक्स नहीं मिल रहा तो उसको बना रहे हैं। सबको अपनी अपनी किस्मत आजमाने होगा, मिलेगा तो ये तो प्लान है, अब देखते हैं ये प्लान हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो मतलब गाइस अगर तुम सच्चे मन से कुछ चाहोगे तो मिल ही जाता। तो मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमें बॉक्सेस मिल चुके हैं और अभय अभी ले रहा है, तो सही है, बाकी आगे का देखते हैं। भाई मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है घूमने की, पर ये जो ठंड लग रही है ना भयंकर सी, मेरे को कैसा लग रहा है? बुरा है ना, उससे ज्यादा बुरा मेरे को लग रहा है। हम लोगों ने गत्ते तो इसके घर पे रख दिए, अब आए हैं GIP और भाई इतनी ठंड लग रही है कि बिना चाय पिए चल नहीं सकता। तो सॉरी गाइस चाय नहीं कॉफी, यारा इन इन इन्फ्लुएंसर हाई क्लास। या सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो भाई अभी ना एवा क्लास गई है तो हम उसके घर जाएंगे उसकी दीदी से डिस्कस करने, तब तक के लिए हम देखते हैं हम क्या ले सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें। मतलब पता ड्रेस में ना समझ में भी नहीं आता कि क्या गिफ्ट करें, साइज हो गया ये हो गया। मेरा बहुत पहले वो था कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो ना, दिल से उतार रहा हूँ, उसमें झुमके गिफ्ट करता, झुमके। फिर तो भाई कपड़े उसको फिर वो ट्रेडिशनल टाइप के देने, सोने की देता ना फिर सब खत्म एक बार में खत्म। तो भाई हमें सोचना है कि भाई हम क्या गिफ्ट दे, मतलब ज्यादा तो भाई ड्रेस ही देना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है, पर ड्रेस ढूंढना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को नहीं दिया। अगर इसका बर्थडे होता तो नाइकी के जूते दे देता, कुछ भी अगली बार दे दे, चल कोई बात नहीं, दिल की ख्वाहिश है ना, अगली बार चाहो मुझे नाइकी के जूते देगा गाइस मेरे बर्थडे में। तो गाइस ये आप लोगों को गलत अफवाह सुनने को मिल रही है, ये मैं रिपीट उस दिन स्टोरी पर भी लगाऊंगा ये वाली क्लिप।
ना, यहाँ से हम छोटे मोटे सवाल लेंगे फिर देखते हैं। सब में पहली चीज हमने ली है ये फेस वॉश भाई, उसके कोई काम नहीं आएगा, इसके जरूर आएगा। अरे मतलब जो भी गिफ्ट मिलेगा ना उसको मिलता रहेगा। और अभी हम एक 100 वाला परफ्यूम लेते हैं। ये महंगा नहीं लग रहा? ये महंगा लग रहा है। कोई नहीं ना, तू बैठा क्या करीब होगी तेरा चाय बर्थडे में जाने से पहले एक बार यही आ जाएंगे घूमने में। ये तो काला हिट लग रहा है, अफेक्टो बाय सनी लियोन। ओए सनी लियोन, हां ब्रांड प्रमोशन, सनी लियोन का परफ्यूम मिल गया। अब तो यही लूंगा भाई, अब नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ उसका बर्थडे है और ये अपने फायदे की चीजें ढूंढ रहा है। तो 300-350 का था वो। तो क्या हुआ? नहीं है, मेरी सैलरी में से काट दियो जो देता नहीं है। लगता है ज्यादा ही सामान ले लिया, बजट बढ़ गया हमारा गाइस। बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मजा आ रहा है। ये खुद के जेब से नहीं जा रहा इसलिए मजा आ रहा है, बाद में तो मिलेगा हमको ये। लेकिन सही है भाई, देखेंगे अगर किसी का नसीब अच्छा हुआ ना और ये रैकेट पैकेट उसके में निकल गया तो उसका तो मजे है। तो हमने भाई पूरा एकदम बैग भर लिया, दिखाइयो कितना बड़ा बैग है। सामान तो लोड कर लिया है, अब तो और भी लेना है। छोटे मोटे सामान चाहिए जो अजीब अजीब से है। तो बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इम्पोर्टेंट गिफ्ट क्या लूं। तेरे को तो आज पहली बार ऐसा लग रहा हो ना कि जीआईपी में से इतना सारा सामान लेके निकला है। छाती चौड़ी हो गई मेरी, निकला मैं शॉप से तो नाक। मेरे साथ रहेगा तो ऐसे छोटे मोटे खुशियों के पल बहुत मिलेंगे। ठीक है बेटे, लेकिन भाई अब भी नहीं समझ आ रहा कि मेन गिफ्ट क्या ले। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बंदे से क्यों पूछ रहा हूँ जिसके आज तक बंदी नहीं बनी। हाँ ये बात भी है, दिया है किसी को कभी गिफ्ट दिया है? है? कि एक लड़की को दिया था इसने चांदी की एक अंगूठी 500 रुपए वाली। उसने भी रिजेक्ट कर दिया था मुझे। उसने लिया, ले तो लिया, ले लिया था। देखो मतलब देखा नहीं बाबू, मैं आपके अमानत ले लूंगी लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी। ऐसे प्यार करने वाले को कोटी कोटी नमन। ओए मेरे फोन का बैटरी खत्म हो रहा है, 2% है तो हम इसको यहाँ ऑफ करते हैं। एमा के घर जा रहे हैं, वो क्लास गई हुई है तो उसकी दीदी से डिस्कशन करेंगे तो वहीं पे फोन चार्ज लगा दूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में भाई। अब जा रहा है अपना शूट करने के लिए, मैं एमा के घर पे जा रहा हूँ। एक हेलमेट लेके, 1% बैटरी मात्र, कई बंद हो सकता है। The next morning. ये है डे टू और भाई आज बहुत हालत खराब है मेरी। आग के पास ही बैठा पड़ा हूँ, अंदर से ठंडी लग रही है मेरे को, क्या बोलो। तीन तीन चार चार कपड़े पहने पर अंदर से ठंडी लग रही है मेरे को, वो नहीं सहन हो रहा। अभी 12 बज रहे हैं, हम लोग 12 बजे देखने जाने वाले थे कपड़े और जगह, 2 बजे जाएंगे। बारिश का मौसम भी बहुत ख़राब है, मैं बाद में दिखाऊंगा भाई साहब क्या ही पसीना निकल रहा। अगर देख रहा हो तो मेरे नाक का पानी नहीं है और मैंने 4-5 कपड़े पहन रखे जिसकी वजह से पूरा गर्म हो रहा हूँ। तो लग तो रहा है कि ठीक होने वाला हूँ मैं, बाकी देखते हैं। मैं दवाई वाई खा के फुल लेटा हुआ हूँ और आज अब है ही अकेला जाएगा शायद। ऑलराइट सो गाइस गुड मॉर्निंग, वैसे चौको की तबीयत खराब है ना इसलिए हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी का सफर हम दिखाएंगे। और वैसे अभी हम लोग कहाँ पर आ गए दीदी? हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं, बर्थडे लोकेशन सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो अंदर चल के देखते हैं यार क्या सीन है अंदर का। A few minutes later. यार गर्ल्स बिल्डिंग में घुसा दिया। यार गर्ल्स बिल्डिंग में आ गए बताओ हम लोग। कुछ काम से ही होता है, चौको लोग नहीं होते हैं। नहीं होता भाई, पहली बार कर रहे हैं। वो कह रहा है भैया आप गलत बिल्डिंग में आ गए, चलो बगल वाली बिल्डिंग है। चलो अंदर चल के देखते हैं। सही है, सजने का हाथ तो बढ़िया लगेगा वैसे। नहीं सजने के बाद तो अच्छा लगेगा ये, रात को लाइटिंग हो जाएगी है ना। भैया से कब तक यहाँ पे कर सकते हैं मतलब हम लोग? 10 से 11 बजे तक। भैया ने तो 12 बजे तक बोला था ना कुछ। चलो कोई नहीं, 11 बजे तक कर लेंगे। जगह थोड़ी ठीक लग रही है, आगे देखते हैं ना। सही है, रूम में तो काफी स्पेस है ना। और भैया वैसे 12 बजे के बाद अगर यहाँ पे हम गाने वगैरह बजाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? रूम के अंदर बाहर नहीं रूम के अंदर सलून में। हाँ ज्यादा भी नहीं होगा नॉर्मल वे में। सही नहीं है ना, वैसे 11 बजे तक तो यार गाने तो चाहिए होते हैं, बिना गाने क्या होता है। पार्टी में गाना नहीं बजेगा तो कैसे चलेगा, हम बजाएंगे तब भी। चलो वीडियो कॉल करते हैं। ये देखो गाइस, ये घर पे बैठे बैठे चोर देख रहा है। देख रहे हो भाई, फुल राजा वाला फील दे रहा है, आराम से घर में बैठा हुआ बिस्तर में, कुछ नहीं करना। सब कुछ बढ़िया है मतलब, ऑल ओवर ठीक है, बस
मुझे ना यहाँ का सॉन्ग का सिस्टम सही नहीं लगा, वो कह रहे हैं 11 बजे के बाद ना आप बिल्कुल भी नहीं बजा पाओगे, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। सोसाइटी है ना, वो देखो पूरा रोड पे यहाँ पे। यार तुमने रूम के अंदर तक मना कर दिया, अब बर्थडे वाला दिन है तब वो तो मैं बात करूंगी, देखते हैं क्या होता है, बाकी अब चौको बताएगा, चौको से डिस्कस करते हैं, वरना किसी नई जगह देखेंगे, वरना ये तो डन है ही। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं प्लान बनाने के लिए, मोटी आ रही है देखो, तीनों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी क्या करने वाले हम लोग? अभी हम ड्रेस देखने जा रहे हैं बर्थडे। अच्छा हाँ, इसने देखी थी ड्रेस, इसने इसको पता है कौन सी ड्रेस, अगर बेटा ड्रेस अच्छी नहीं हुई तब तुम गई। कल हम H&M, ज़ारा, फॉरएवर 21 सब जगह गए, उसको जो ड्रेस चाहिए वो मिलती है समर में। अच्छा, उसको चाहिए आप विंटर में, हर जगह मना नहीं है भाई, हर जगह बेहत हो गया है हम लोग। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन मिला उसमें उसको, फिर ठीक ठाक है, फिर नहीं लिया कुछ, कह रहे मैं बर्थडे ही सेलिब्रेट करना, मेरा कुछ प्लान भी नहीं है, सब कुछ बेकार जा रहा है, मैं छत में बैठ जाऊंगी। मैंने क्यों बैठ गया, प्लानिंग हम कर रहे हो उसे ये भी नहीं पता। हाँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं भाई, कसम से इतनी सी जगह है मेरे पास बैठने के लिए, इतनी सी जगह, सीट सीट घेर के बैठे हैं ये लोग। ये देखो भाई फिर से सिलेक्शन चल रहा है, कह रहे ठंड में मर जाएगी। यार समझ ही नहीं आ रहा, ना ड्रेस समझ में आ रही है, ना कुछ समझ में आ रहा है, ये कैसी लड़कियां कैसी दोस्त हैं, ये इन्हें ड्रेस ही समझ नहीं आ रहा है कि अपने दोस्तों का ड्रेस कर दिया। मैं क्या कर सकती हूं, बहन को समझ नहीं आ रहा है। यार अब तो हम महंगी जगह जा रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सोचा मैं शोरूम से भगा ना दे, पर जैसी हालत है ना बिल्कुल, इनको देखो खतरनाक, इनको भगाएंगे सबसे पहले। तो चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो यार GIP में भी आ गए हम लोग, एक आध तो दुकान भी देख ली, मिला नहीं लेकिन कुछ भी, तुम्हें तो लगता है खरीद पाएंगे? सॉपर स्टॉप में भी गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि हम मिल पाएंगे, यार गलत जा रहे हैं हम लोग, हमें साइड जाना शायद, देख रहे हो रास्ता भी गलत, गलत इंसान के साथ रहोगे तो ऐसे ही होगा। चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कपल कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले, चलो चलते हैं। जी आके मेरे को परेशान कर रही है, खाली पीली में मेरा फोन चेक कर रही है। क्या रीजन है? मैं फिर नहीं जाऊंगी, चाहो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं बीमार हूँ। हाँ तुम हो बीमार, दिखाओ तो यार। और शर्मिला से क्या बात हुई, मैं वो देख रही थी। अरे मैं बाद में दिखा, नहीं नहीं अभी दिखा, तुमने अभी दिखाने के लिए तुमने बोला था मम्मी का सब। यार ये गलत है, मैं खाया ही नहीं था। नहीं दिखाओ शर्मा, देखो मैंने नहीं मारा लेकिन खुद ही लग गया इसके पेट में। अब हो गया, अब हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब दिखा दो, अब दिखा दिखाओ, चौको लग गई है। तुम तो बहुत रसीले हो, बहुत क्या, तुम तो बहुत गीले हो रखे हो। तो मैं पूरा गीला हो गया, मैं ना कब कपड़े भी उसको मुझे मेरे को मैं नहीं दिखाऊंगा भाई। भाई मर जाएगी तू। बोल। मैं जाती हूँ। हाँ। सीधी बात, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पैसे दो। हाँ ठीक है, नहीं दे रहा। मैं नहीं चाहती फालतू के पैसे खर्चो। नहीं कर रहा। मैं बस एक ड्रेस खरीद रहा था, वही देख रहा था बस। घर बैठे बैठे ड्रेस खरीद रहे थे तो। अरे उसको भेजा था मैंने अभय को शर्मिला के साथ, तो एक ड्रेस ही देखना था बस। अगर तुम लोग सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ऐसे कुछ, मैं बहुत गंदा पिनक जाऊंगी, मैं आऊंगी नहीं। हाँ नहीं है कोई सरप्राइज, सच्ची में जाओगे मजाक से हट के? सच में नहीं है, मैं नहीं जाती पैसे खर्चो भी। देख एक बंदा जब बीमार होता है तो उसकी केयर करते हैं, तो मेरे लिए कोई फल लाई? मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोच रही थी यहाँ उतने दूर से यहाँ तक आई, जाओगे कितनी ठंडी है, कितनी ठंडी है। ये तेरा एफर्ट्स है मानता हूँ, पूरा चैट ही उड़ा दिया मैंने, अब देख ले कहाँ से देखेगी। खाली पीले में चेक कर रही थी, तो बीमार आदमी को परेशान कर रही है। अभी गई है मेरी मम्मी से बात करने के लिए, बना ले मुंह, फिर देखियो मैं भी क्या करूँगा अपनी बच्ची पे। रो रही है अब, इसको रोने वाली कौन सी बात हो गई, अब इसको रोने वाली कौन सी बात हो गई। अंदर चल अंदर, ठीक है नहीं कर रहे, पूछना चाहिए ना इन सब चीजों के, तुम्हें पता नहीं। अब मैं पूछूंगा कि भाई मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी नहीं।
अबे इसमें इतना ज्यादा वो करने वाली कौन सी बात हो गई। मुझे नहीं करना है सेलिब्रेट। ठीक है तो अब मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। खुश नहीं करेंगे। होने वाली क्या बात है यार। अभी वो हाईनेक लेने गई है मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, बर्थडे मनाना था, तो शायद इस वजह से वो ज्यादा बुरा मान गई कि मैंने सबको बुला लिया, मतलब उसके दोस्तों मेरे दोस्तों सबको। शायद उसको सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, कहीं घूमने जाना था। लेकिन ब्रो अगर मैं उसके साथ कहीं जाता बाहर आउट ऑफ दिल्ली या कहीं भी, तो मैं वापस ऐसे आता चार कंधों पे। समझ रहे हो भाई मेरी हालत खराब हो जाती है अगर मैं बाहर ट्रैवल करता कुछ भी करता। इसलिए मैंने सोचा था कि पास में ही कहीं पर करते हैं ताकि अगर कुछ हो, वैसे तो ना हो लेकिन अगर कुछ हो तो मैं तुरंत घर आ जाऊँ, अपना डॉक्टर दिखा लूँ। मैंने इस बारे सोचा था। बाकी वही है कि वो नहीं चाहती कि पैसा खर्च हो। बाकी वो आते हैं उसको मनाता हूँ देखता हूँ। लेकिन भाई मैं भी एक चीज़ बोलूँगा, मुझे भी हल्का सा बुरा लगा तो उसके लिए उसको पता है क्या सजा दूंगा मैं। आज रात 12 बजे केक कटवाने नहीं जाऊंगा उसका। नहीं जाऊंगा ब्रो मैं केक कटवाने, देख लेना सीधा कली। तो भाई ये उसने तो फुल मना कर दिया कि मैं नहीं मनाऊंगी ये वो। मैंने कह दिया ठीक है भाई जैसे तेरी मर्जी, नहीं मनाएंगे हम कैंसिल। उसके सामने ये कहा है मैंने, पर असल में थोड़ी होगा। पर अभी मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं अभी जा रहा हूँ बाहर दवाई लेने के लिए। वो भी घर जा चुकी है। बाकी जैसा भी होता है आप तो देख ही रहे हो।